कर लो जितना करना है। मुझ पे किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो आप लोगों से किसी से छिपी नहीं है। अकेले एक महिला के ऊपर कितने निशाना साधोगे भाई, कि तूफानों से टकराने का हमने भी सीखा है कि हम तो डटे रहेंगे, हम तो हटेंगे नहीं, ना पहले हटे और ना आज हटेंगे। मुझे किस चीज की डर, मैं क्यों डरूं? तो ये कह के जा रही हूं कि हम लोग भी इस लड़ाई से पीछे नहीं हटने वाले हैं। आ जाओ मैदान में सबके सब। मुझ पे किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो आप लोगों से किसी से छिपी नहीं है। मैं कहती हूं कि हमें तो यह बताया गया है कि हमारी संस्कृति में नारी के घर के अंदर पूजा होती है, हर एक के घर में उसकी मां है, उसकी बेटी है, उसकी बहू है। अगर उसके खिलाफ वो इस तरीके के बयान दे तो मैं समझती हूं कि लानत है ऐसे लोगों पर। उन सब लोगों को यह समझना चाहिए कि महिला तो वो चीज होती है, शक्ति का प्रतीक है। कर लो जितना करना है। मैंने तो यह कहा कि हम तो डटे रहेंगे, हम तो हटेंगे नहीं, ना पहले हटे और ना आज हटेंगे। मैं तो हमेशा यह कह दिया है कि तूफानों से टकराने का हमने भी सीखा है, 30 साल हमने करके देखा है। अरे इतने जल्दी नहीं, जनता की लड़ाई लड़ने में हम लोग पीछे कभी नहीं हटे। और आज भी मैं आपको यहीं से जाके, यहां से जब निकलूंगी तो ये कह के जा रही हूं कि हम लोग भी इस लड़ाई से पीछे नहीं हटने वाले हैं। आ जाओ मैदान में सबके सब। तो देख लिया हमने, ऐसे कितने लोग हैं। कोई कहता है कि टीवी में आ जाता है, कोई कहता है कि बहुत पसंद है। मैं अपने भाइयों को इस कहना चाहती हूं कि हमारे कितने सारे जवान लोग, उनको सबको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि जिसके खिलाफ केसेस वगैरह हैं उनको यह सोच लेना चाहिए कि आगे हमारा क्या होगा। आप यह समझ लीजिए कि रीट की तो परीक्षाओं के अंदर जिस तरीके से चल रहा है वो आपने सबने देख लिया है। बच्चे का भविष्य अब अधर में आ गया है। अब जिसके खिलाफ केस है, समझो कोई प्राइवेट फैक्ट्री हमारे राजस्थान के अंदर आ भी गई। हम तो ये चाहते हैं कि बाहर के लोग नहीं आए काम करने के लिए, हमारे ही बच्चे पढ़ लिख के अपने पैर पे खड़े होके उन इंडस्ट्री को चलाने का काम हमारे ही प्रदेश के अंदर करें। बाहर से किसी को लाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, परंतु वो आपका बायोडेटा देखेंगे, बायोडेटा में देखेंगे कि क्या नाम है, कहां से आता है, इसका पीछे का रिकॉर्ड क्या है। अगर उसके रिकॉर्ड में केस वगैरह है तो सबसे पहले उसको अलग कर देता है। कि भाइयों और बहनों, हम लोगों को इसके बारे में अब सोचने की जरूरत है। ये परिवार है, ये पढ़ा लिखा परिवार होगा, आगे अपने पैर पे खड़ा होगा और खड़ा होके इस राजस्थान को विकसित करने का और आगे बढ़ाने का और साथ में नागौर को आगे बढ़ाने का काम ये क्षेत्र करेगा, ये मुझे विश्वास है। 2003 के बाद अशोक गहलोत जी को बहुमत नहीं मिली है। भाइयों, उनकी नजर में सबसे बड़े शत्रु तो हम ही लोग हैं, आप लोग जानते हो। उनके राह का कांटा आज अगर कोई है तो हम ही लोग हैं। इसलिए उनकी कोई भी तारीफ के अंदर सद्भावना नहीं है, दुर्भावना है। इस चीज को समझने की सबको जरूरत है। अकेले एक महिला के ऊपर कितने निशाना साधोगे भाई, और कौन कौन लोग साधेंगे। जैसे मैंने अभी आपको कहा, स्वार्थ सिद्धि के लिए मेरी ओर निशाना साधो, पर याद आप लोगों को शायद ये नहीं है कि हनुमान चालीसा की एक चौपाई है जिसमें कहा गया है, सब सुख लही तुम्हारी सरना, क्या जोर से बोलो भाई, सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक। हाँ याद रखो, हनुमान जी खड़े हैं, आप खड़े हो, हनुमान बन के हमारा ये परिवार सामने मेरे खड़ा है। मुझे किस चीज की डर, मैं क्यों डरूं? जब आप लोग सब यहां खड़े हो, जब आप लोग सब ने अपने परिवार जैसे हमको प्यार दिया है, क्योंकि ये 4 साल जब निकले हैं आपके प्यार के ऊपर ही तो निकले हैं। और मैं बार बार यही कहती हूं कि आज राजस्थान की जनता ने जो हमें प्यार दिया है, जो हमें साथ दिया है, जो हमें विश्वास दिया है और आशीर्वाद दिया है, उसके बिना तो मैं यहां कभी खड़ी ही नहीं हो सकती थी।
आपको सबको मेरा धन्यवाद। आप ऐसे ही प्यार मुझे देते रहो, हमारे पार्टी को देते रहो, और मैं आपको विश्वास दिला सकती हूं कि हम इस पार्टी के लिए दौड़ेंगे, भागेंगे और आपके काम में कहीं कमी नहीं होने देंगे। ये वादा मैंने तब किया था, उसको पूरा किया, मैं अब भी आपको दे रही हूं और मैं विश्वास दिलाती हूं कि उसको पूरा करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। चुनाव बिल्कुल नजदीक है तो मुझे आप लोगों से एक दफा संकल्प करवाना है, दोनों हाथ मुट्ठी करके, दोनों हाथ ऊपर करके मेरे को संकल्प, अपने संकल्प दिलवाओ कि एक ऐसी सरकार हम लोगों को बनानी है जो चिंता करती है जनता की, एक ऐसी सरकार हमको बनानी है जो क्षेत्र के अंदर उन्नति और खुशहाली लाकर छोड़ेगी, एक ऐसी सरकार हमको लानी है जो भ्रष्टाचार से दूर होकर हमारी जनता को पहले, अपने को पहले मान करके आपके पीछे चलेगी, 36 के 36 कौम को गले से लगाने का वो काम करेगी और जो वादे किए हैं उसको निभाने का काम वो जरूर करेगी। आइए मेरे साथ एक स्वर में बोलिए, 2023 के विधानसभा का चुनाव अपन मिलकर जीतेंगे। और इस बार मैं आप लोगों को कह रही हूं, नागौर के जो भी लोग यहां बैठे हुए हैं भाई, 9 से नहीं चलेगा, ये आप बैठे हो यहां, 10 की 10 सीटें तब तो बात करने वाली है। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे को ये आशीर्वचन दो, लड़ो मेरे साथ, बिल्कुल एक किस्म से दीवार बन के, चट्टान बन के खड़े हो जाओ, दोनों हाथ ऊपर करके कह दो कि हाँ हम लोग मिलकर लड़ेंगे, इस नागौर की 10 की 10 सीटों को जिता के भेजने का काम करेंगे। मैं विश्वास करती हूं तो 2023 के अंदर बीजेपी की यहाँ की सरकार और देश 24 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जी की सरकार हम लोग बना के छोड़ेंगे। इसलिए जोर से मेरे साथ एक नारा देंगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सबसे बड़ा जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, तेजाजी महाराज की जय। आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार, मेरा बहुत सारा धन्यवाद। और मैं आज आपको एक ही चीज कहके जा रही हूं, आप लोग 10 बजे से लेके यहां बैठे हो, मैं आप सबके सामने शर्मिंदा हूं, सर झुका के आप सबसे माफी मांगती हूं कि आपके बीच में इतनी देरी से आई, परंतु मैं धन्यवाद देती हूं कि आप लोगों ने इतने प्यार से मेरी राह देखा, और अगर आपने इतना प्यार नहीं दिया होता तो उस रथ के अंदर तो मैं तो जरूर ही नहीं बैठती नहीं, ये मेरी आदत नहीं है, परंतु आपने प्यार दिया, बस ये प्यार दियो, देते रहो, इसके लिए ही हम लोग दौड़ेंगे और आपके सपने को पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत मेरा धन्यवाद आपको। वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे।